किसके साथ क्या कुछ छड़े बढ़ा रही है? सबसे ज्यादा दिमाग की तो मोबाइल फोन ने किया। तैयार हो चुके हो? रिलैक्स बॉय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू थ्री इज अ क्राउड। और मैं आज की वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल बाद मैंने फाइनली पल्स अटेंड करा, जिसके बारे में वैसे सालों से बस सुनते आ रहे थे। होता क्या है पल्स? सो पल्स एम्स दिल्ली का फेस्ट होता है, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल फेस्ट। आप क्या करने गए थे पल्स में? हर कोई तो अलाउड नहीं होता। मैंने स्ट्रीट प्ले में पार्ट लिया था, बिकॉज यू नो द ड्रामा क्वीन दैट आई एम। इतना भी सच नहीं बोलना था यार। What was the play about? So the play was about sexual harassment और बहुत well written, like one, because see, pulse है, ठीक है? सारे लोग को perform करने का मौका तक नहीं मिलता है। हमारा हिमसर thankfully बहुत सारी चीजों में select हुआ था, even in band, even in street play, even in like a lot of sport events also, because क्या होता है, जैसे street play का मेरे को पता है 175 plus scripts आई थी, जिसमें से 10 select हुए। अरे कहाँ जा रही हो? किसके साथ? अरे आइटम कहाँ जा रही है? हम खिला रहे थे बैडमिंटन, आजकल बहुत प्रैक्टिस हो रही है तेरी। किसके साथ क्या गुल छर्रे उड़ा रही? हम भी देख लेंगे, हमारे साथ भी उड़ा ले। ये लड़ी बैठा है। The people that I participated with, वो मेरे शुरू से उतने अच्छे फ्रेंड्स थे नहीं, जितने उस प्ले के वक्त बन गए। हम इतना एक दूसरे पे चिल्लाते थे, गुस्सा भी करते थे और फिर मेकअप भी करते थे। बस ले जाओ, बोलो राम सत्य है, बस उतार दो, सर्कल है, चेक करे शेर वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अरे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मैंने सुनिया, जय माता दी, लाउड बोलो, जय माता दी, -5 for musicianship. जब ये प्रैक्टिस करने जाती थी तो पूरा दिन प्रैक्टिस होता था एंड रात को लेट आती थी। सैटरडे संडे भी इसकी रिहर्सल होती थी, इसलिए वीडियो भी लेट हो गया। वही बहुत हालत खराब हो जाती थी। मतलब इतना हेल्थ और न्यूट्रिशन का वैल्यू पता चला ना कि इफ यू आर नॉट हेल्दी तुम स्ट्रीट प्ले में कैसे चिल्लाओगे, मतलब अगर एनर्जी नहीं होगी। एंड विद दैट वी आल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस वाओ के ओमेगा 3 कैप्सूल्स विद फिश ऑयल। दे रियली हेल्प यू मैनेज योर एनर्जी एंड हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ओमेगा 3 इज गुड फैट, द essential fatty acids. It is essential for the healthy functioning of our heart and brain and management of inflammatory response. एक normal diet जो हम लेते हैं उसमें हमारा omega 3 का जो requirement होता है ना, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। So that is why omega 3 fish capsules can be a really good supplement for you. And even if you are vegetarian, you can take the algae based supplement. Guys, this product is completely natural. It's gluten free, dairy free, and has a good EPA to DHA ratio. But please remember, if you're under 18, pregnant or breastfeeding, please consult your doctor before consuming. So Vidhi, juniors were also part of the play. Yeah. And you bonded with them as well. बहुत मजा आता था, वो इतने talented से बच्चे थे ना, और वो हमें खुद ही दिखाते रहते थे, देखो मैम हमें ये आता है, हमें ये आता है। सो मैं जूनियर अभय ही, वो पूरा कार्तिक आर्यन का लिटरल कॉपी है, ठीक है? और उसको पूरा प्यार का पंचनामा का मोनोलॉग याद था। काय की खुशियां, रिलेशनशिप का मतलब ही होता है टू एंटर इनटू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका नहीं है जो कभी तुम्हारा भी नहीं होता। इन लड़कियों को ना कोई खुशी नहीं हो सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मैन। अरे तू बैटमैन वाली को देख ले साला, जब तक बैटमैन नहीं बना तो उसको बोल रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, न कारा हो न पुंसक हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? तक नॉर्मल इंसान कहता। सब सालाने कहानी का दोषा है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हो, दोनों साथ साथ फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बता दूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चे बोल रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले क्वेश्चन है फिर कर्टेंस है, फिर क्वेश्चन कर्टेंस से मैच नहीं किया तो और क्वेश्चन है, चलो मग इतने मेरे यहाँ कि बेच नहीं जाऊँ तो महीने का खर्चा निकल है। एक तो 2 चीज खरीदने जाएंगी, वो चीज खरीद के नहीं लेंगी, 2 हफ्ते तक दिमाग चाटेंगे टेबल लेना टेबल लेना, 5 घंटे मॉल में बिता के सड़ी चप्पल उठा के लेंगी, और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना टेबल लेना है। चल ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठा दी बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता, कितना मुश्किल है बात समझना। अरे 2 मिनट कर लगते करते, 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं, और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की थी तो मोबाइल फोन ने किया, कभी घटिया इन्वेंशन साली, कॉन्स्पिरेसी पट्टा साला पट्टा। एक तो इनके ऐड भी देखो ना, लो जी 1 पैसा पर सेकंड और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती तरह से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को, फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं है करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मेरी माँ मुझे क्या पता तुमने मुझे कॉल क्यों किया, जाके भारतीय मिलता तो पूछना।
Guys, you should always take part in extracurriculars. You really enjoy and you learn so much about yourself and the people Seriously. Around you. मुझे तो अपना कॉलेज बेटर पता चल गया. मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे खाने की जगह है, ये अलग ग्राउंड है जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो. मेरे पास जेन्युइनली प्ले से ज्यादा फुटेज BTS की है, क्योंकि इतना मजा करते थे हम. How is it going to AIIMS for the first time? पहली बार हम AIIMS गए थे कि पूरा वेन्यू वगैरह चेक करने और कैसा सीन है एंड ऑल. काफी लिट फेस्टिवल था वो. हनी सिंह आ रहा था उस रात को, हमारा प्ले उसका अगला दिन था. एंड लाइक नहीं, जाना तो है. और ऊपर से द थिंग वाज कि उनका डेलीगेट कार्ड ना 3,000 रुपए का था. और देखो बोलना नहीं चाहिए बट मतलब मेरे को था कि मैं 3,000 रुपए तो नहीं दे रही हूँ, ठीक है, इस डेलीगेट कार्ड के लिए. बाय द वे मामा ने ये सीख बहुत बुरा हुआ भाई. मामा ने मेरे को सीख दी थी कि मामा और मेरे एक और मामा मनु मामा, वो दोनों IIT दिल्ली का जब फेस्ट होता था ना, तो उसके पासेस निकलवा के प्रिंट आउट करवाते थे और ब्लैक में बेचते थे, ठीक है, जाली पासेस, जाली फेक पासेस बेचते थे और उससे लोग एंटर भी करते थे. कौन से लोग ये फ्रॉड काम करते हैं? मेरे को घर में ये एनवायरनमेंट मिला है कि तुम्हें कॉलेज के फेस्ट के लिए पासेस लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही घुस सकते हो. तो मैंने इधर उधर कॉल लगाया, क्या मैं घुस सकती हूँ. सबने बोला कि यू आर 3 इज अ क्राउड, वी विल फाइंड आउट अ वे फॉर यू. मैंने कहा ठीक है, मैं आ गई, मेरी मिली एंट्री. तो मैं आर 3 इज अ क्राउड. पूरा मैंने ID बना लिया अपना सब, की कैसे जाना है, क्या करना है, सब सीन सेट. आई डोंट थिंक मुझे इतना ओपनली बोलना चाहिए ये सब. गाइस ये सब एकदम नहीं करना है, ये सब दोगलापन है. हम हनी सिंह में गए और वहाँ पे CISF आ रखी है, वहाँ पे पुलिस आ रखी है, उन्होंने बाउंसर रख रखे हैं. सो गाइस वी आर आउटसाइड AIIMS. मुझे तो नहीं लग रहा कि हमें एंट्री मिल सकती है, बट देखते हैं. किसी तरह हम घुस घुस के मैं बैरिकेड तक पहुंची. अब पुलिस के बैरिकेड, दो बैरिकेड के बीच में जगह होती है, मैंने वो क्लाइम करा, मैं ऊपर बाउंसर के सामने खड़ी हो गई जाके. भैया प्लीज जाने दो, मैंने देखो पास लिया. जबकि आउट ऑफ एवरीवन इन द वर्ल्ड मेरे पास तो पास नहीं था, ठीक है. भैया पास लिया, मैंने मम्मी से 3,000 रुपए मांगे, आप ऐसे कैसे मेरे को नहीं जाने दे रहे. कहते मैडम पास तो सभी के पास है, किसी को नहीं जाने दे रहे, एंट्री क्लोज है. मैंने कहा छोड़ो यार. फिर हमने देखा कि एक और गेट खुला हुआ है, वो हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल तो बंद नहीं कर सकते ना फेस्ट की वजह से, हॉस्पिटल की वजह से खुला हुआ है. मेरे को था कि हम KK में भी टाप के घुसे हैं, देखते हैं कुछ हो सकता है. तो मेरे को एक दीवार दिखी 10 feet टॉल. मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था, वो तो कैसे करके चढ़ गया. हम दोनों को देख के 4-5 लोग और आ गए. मैंने कहा भैया प्लीज मेरे को उठा लो. एक भैया को पर्स पकड़ाया मैंने, एक भैया को बोला मेरे को उठाओ. वो बंदा भी कॉन्शियस हो रहा है, कैसे एक लड़की को कैसे उठा लो. मैंने कहा कोई नहीं भैया कॉन्शियस, मैं तो पूरा अच्छे से उठाओ. उसने मेरे को उठा के ऊपर ऐसे दीवार के ऊपर फेंका, मेरे का पर्स भी फेंका और मैं कूद गई. और उसके बाद मुझे अभी तक यहाँ पे पूरा निशान है. गाइस आई एम इनसाइड. ये एंड हनी सिंह डिडंट इवन परफॉर्म, उसको बॉटल का कैप मार दिया किसी ने. एंड ही गॉट ऑफेंडेड, ही वाज लाइक डॉक्टर्स को थैंक यू मैं जा रहा हूँ. और उससे पहले 10 मिनट तक पूरा बोल रहा था पूरी रात एंजॉय करेंगे गाइस, पूरी रात एंजॉय करेंगे, 3 गाने बजा के. प्ले का हुआ क्या फिर फाइंडिंग? हमने अपने परफॉर्मेंस से पहले और बाद में भी बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया. I'm going to try camel milk chocolate, right? Guys, किसी और को ट्राई करना. ओए, ये ले रहा ना. कैमल मिल्क चॉकलेट. Guys, ये क्या है? So guys, this is one of our juniors, जो बॉडी बिल्डर है. स्विस ब्यूटी के गिफ्ट कैसे जीते तूने? भाई वहाँ पे गेम चल रहा था, मैंने पार्ट किया. मैंने स्पिन द व्हील खेला, उसमें एक जीती. फिर एक दूसरा मेमोरी वाला गेम खेला, उसमें भी मैं जीती. प्ले वाले दिन हम काफी
काफी पम्प्ड अप होके गए कि जीत के आएंगे फिर वहाँ पता चला डीयू के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी नुक्कड़ नाटक मंडली है। हम ऐसा होता था क्लास अटेंड कर रहे हैं फिर प्ले की प्रैक्टिस एक घंटा फिर क्लास फिर, क्योंकि हमें अटेंडेंस भी नहीं दे रहे थे वो लोग, प्लस वो डीयू वगैरह के बच्चे थे तो फिर मतलब पता ही था कि उनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम होगा हमसे। पता नहीं आज क्या हो गया मेरे को, MBBS वालों के पास इतना टाइम नहीं हो। हाँ, हमारे 8 घंटे की तो क्लासेस ही होती है और मैं कभी भी अपने डीयू के फ्रेंड से पूछूं भाई आज तो फ्री था, आज कोई आया नहीं, आज हमारी एक क्लास थी। मैं थोड़ा तैयार हो चुकी हूँ, 9:40 हो रहा है, 30 मिनट्स में निकलेंगे। आई एम फकिंग प्राउड ऑफ यू गाइस। क्या लग रहा है जीतेंगे यार? बटरफ्लाईज है स्टमक में बता नहीं सकते, वी कैन होप फॉर बेस्ट है ना। कैसे लग रहा है हाउस में? अरे भाई हमारा कलर कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छा है और हमारे डायलॉग 14 इज द क्राउड, हमारे कलर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो हम जीतेंगे। हम लोग जिस तरह से गाना गाने वाले ना, लोगों के हारमोनियम बच जाएंगे। प्ले की डायरेक्टर सुंदर लगते हुए और ये पता नहीं कौन है, ओए मेन एक्टर रिलैक्स बॉयज। Everything worse, just पहले हमारी ढोलक टूट गई। Guys, हमारा ढोलक टूट गया। We had friends जो engineers आ रखे थे एक दो, वो हमारा प्ले देखने आए थे और उनको हमने बोला इधर आओ थोड़ा काम करना है, ये ढोलक उन्होंने पूरा फिक्स करके दिया फिर हमें। इंजीनियर्स को इसी काम के लिए बुलाया जाता है। Odd jobs. हम जेन्युइनली हमने बोला तुम इंजीनियर हो ना इधर आके करना जरा। तो गाइस इस वीडियो में हमने इंजीनियर्स को और एम्स की सिक्योरिटी को और डीओ वालों सबको डिस किया है। मुझे माफ करना। इम्प्रोवाइज करा और बहुत इन द मोमेंट काफी चेंजेस किए और काफी अच्छा परफॉर्म किया बेसिकली। सेकंड प्राइज गोज टू AIIMS। फर्स्ट प्राइज गोज टू केशव महाविद्यालय। बट आप हार गए तो बेसिकली जस्ट लाइक ऑलवेज यू लॉस्ट। वी वॉन हार्ट्स। ओके जस्ट लाइक आई वॉन हार्ट। क्या होता है जस्ट लाइक वी वन। सॉरी मैं अपने पूरे एलिमेंट में उठी के बच्चे बूढ़े और जवान ये हुए वो हम वहाँ पे फ्री से ग्राउंड मतलब काफी सारे लोग पहचानते थे आपको। पहले तो ये लोग मेरे को डिस कर रहे थे कि मैम जूनियर भी मैम आपको तो यहाँ कोई नहीं पहचाना, हम तो सोचे थे हम आपके साथ आएंगे तो हमें पहचान जाएंगे। अरे तो मैंने लेकिन हाँ ऑन द डे ऑफ आर इवेंट अ लॉट ऑफ पीपल रिकॉग्नाइज्ड मी। So, मेरे बारे में पूछ के नहीं मतलब वो यही बोल रहे थे कि मामा क्यों नहीं है इस टाइम में मेरे मैंने ही कुड हैव डन बेटर एंड ऑनेस्टली वी जस्ट वांटेड टू मीट हिम। बिलीवेबल। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच कॉलेज वीडियोस एंड एक्सपीरियंसेस हमको सब्सक्राइब तो करो यार, कितने सारे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते। यस I'm a man of few words. Bye guys.
This game is rigged. You're wearing a cap. Cap, not a hat. This is a casual shirt with a formal hat. Yes. And please sponsor him, Men's Vogue. Yeah, you wear whatever you like. Yes, and that is why I was made to change 3 outfits. Genuinely 3 outfits. Main naturally acha lagta na, jab mujhe kuch karne ki khaas zarurat nahi. Chalo, ho gaya shaad shoot. Okay, bye. Thank you guys. Thank you guys. That's the end of the video.